अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष यादव, इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपडेट लेकर आए हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से। जो आज हम बात करने वाले हैं, लगातार हो रहे कंट्रोवर्सी जो सेरू क्लासिक से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि लगातार तरुण गिल एक्सपोज कर रहे हैं सेरू क्लासिक, सेरू अंगड़ी सर को, और लगातार काफ़ी एथलीट्स भी करने लगे हैं। फिर अब रोहित राजपूत और साहिल खान फिर से इनको एक्सपोज कर दिए हैं। कह रहे हैं कि यार, कि अब एकदम सेरू क्लासिक के पीछे अब लोग पड़ चुके हैं, या सेरू क्लासिक का सच्चाई सामने आने लगा। काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी मतलब रोहित राजपूत ने तो ये भी कह दिया कि प्रो कार्ड बेचे जाते हैं। मतलब साहिल खान भी कुछ ऐसा ही कहा, मतलब क्या कुछ बोले हैं। आप फुल वीडियो को देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है कि आखिर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हो क्या रहा, क्यों ऐसा फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि यह सच न्यूज़ है। आप खुद देखना और समझना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। बट इन्होंने कभी खुल के बताया नहीं कि क्या हुआ, लेकिन आज वो आप सबके सामने अपनी सच्चाई बताने वाले हैं कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या। एक ऐसा एथलीट जो इजीली, अगर मुझसे पूछो, ओलंपिया में जा सकता था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, क्लासिक हो, मेंस फिजिक हो, ही हैड एवरीथिंग। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें छोड़ दी। देखो, बुरा लगे किसी को, लगे सच्चाई है जो सच्चाई है। इंटरनेशनल एथलीट इंडिया में आते हैं, ठीक है, उनको उनकी कंट्री में नहीं पूछता है कोई भी, बट हमारे इंडिया में ला के उनको भगवान माना जाता है, भगवान बना दिया जाता पैसे है, भी दिए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, वीआईपी रूम में भी ठहराया जाता है। उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे हमारे इंडियन एथलीट हैं जो इतनी मेहनत करके किस किस उससे गुजर के और इस लेवल तक आए हैं, उनको क्या देते हो भाई आप उनको कुछ। अरे भैया, हमारे इंडिया में एक से एक एथलीट है, उनको सपोर्ट तो करो आप। अरे ठीक है, चलो एक उसके लिए आपने दिखाया कि हाँ अच्छा एथलीट है, उनको उनकी कंट्री में नहीं पूछ रहा है वो। आप ये सोचो कि क्लासिक बंदा प्रिपेयर करके गया हुआ है, पूरी माइंडसेट पूरा उसका हुआ है, और वो बंदा क्लास उसमें मैन फिजिक में खड़ा हो रहा है, फिर उसमें डाला मैन फिजिक में। मैंने कहा यार, मैन फिजिक में क्यों खेलूँ मैं, जब मैं क्लासिक क्यों कर गया हूँ। कह रहे नहीं, आपकी बॉडी ना मैन फिजिक के लिए, क्लासिक के लिए नहीं है। अब मैं मैन फिजिक में स्टेज पर चढ़ने लगा, मुझे मैन फिजिक पे ना चढ़ने दे। नहीं, आप बॉडी बिल्डिंग खेलोगे, आप मैन फिजिक के लिए सही वो नहीं हो, आपका मसल मास बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी की डेफिनेशन बहुत तगड़ी है। अरे यार, आपको चाहिए क्या, आपको तो पता ही है कई लाखों रुपये लग जाते हैं कि अच्छे स्टेज के लिए प्रिपेयर कर। खाली एक ये नहीं होता कि पैसा ही लगता है यार, फैमिली का सपोर्ट होता है। मतलब इतने सालों से, महीने से हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, क्या पता हमारी क्या सिचुएशन है उस टाइम, फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है, मेंटली क्या सिचुएशन, किस किस तरीके से हम उस स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। बट आप लोग सपोर्ट करने की बजाय उसे डीमोटिवेट कर रहे हो। आप इतनी बड़ी फेडरेशन हो गए, इतना बड़ा आप मतलब एक एक्सपो कराते हो, बट सपोर्ट करना चाहिए ना यार। जो आपने ये मुहिम उठाई है ना, ये बहुत अच्छी मुहिम उठाई है कि एथलीट का सपोर्ट करो, एथलीट को। जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो मेरे को मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे आगे बाजी ने, और यूँ कांप रहे हैं। उनको ये हुआ कि भैया मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राजपूत हूँ, ठीक, ब्लड में वैसे ही अपने गर्म है, ठीक। तो मैंने वो उनका हाथ कांप रहे हैं, जबकि हाथ मेरे कांप रहे चाहिए, शो पे लड़ा हूँ मैं, पानी वानी छोड़ के हाथ कांप रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि पाजी कुछ करना नहीं, ठीक, मतलब कुछ मैं मीडिया में ना बोल दूँ। एथलीट को सपोर्ट करो ना यार, आप एथलीट आपके शो को बड़ा कर रहा है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है आपके शो को इस उस पर पहुँचाने के लिए, बट आप लोग उन लोगों को सपोर्ट ना करके कर क्या रहे हो। एक तो पैसा भी ले रहे हो आप, और उनको देने की बजाय उनको दे क्या रहे हो आप। लोगों को एक चीज का प्रॉमिस करता हूँ कि इस लड़के में पोटेंशियल है मिस्टर ओलंपिया में बनेगा, और रिपीट करें, इस लड़के में पोटेंशियल है क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया बनेगा। एंड मेरे को आशा है, मेरे को पूरा विश्वास है, कि रोहित राजपूत पूरी मेहनत करेंगे और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। जब ये ओलंपिया बनेंगे, मैं खुद ओलंपिया के स्टेज में हिंदुस्तान का झंडा ले। एक्सपो है, उसको सपोर्ट करना चाहिए एथलीटों के, भी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप उनको और हरवा रहे हो, फिर बाद में पता चलता है कुछ चीज़ें जब निकल के आती हैं। वो ईरान कंट्री का था जो जीता था, उसको वो चीज़ सेल करी गई, उसको बेचा गया था वो प्रो कार्ड। खेलूंगा वहाँ पर, मेरा माइंड सेट है, अगर जहाँ भी खेलूंगा, जहाँ फेयर डिसीजन होते हो, प्राइज मनी हो, प्राइज मनी कुछ हो यार, डिसीजन खुद के जजेस बैठे हैं सारे, जिनके खुद के एथलीट खेल रहे हैं वहाँ पे, आप बताओ ना, जजेस वो बैठे हैं जिनके खुद के एथलीट खेल रहे हैं वहाँ पे और वही जीत रहे हैं, उनको प्रो कार्ड मिल रहे हैं, बताओ। एक्सपो है, उसको सपोर्ट करना चाहिए एथलीटों के, भी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप उनको और हरवा रहे हो,
फिर बाद में पता चलता है कुछ चीज़ें जब निकल के आती हैं, वो ईरान कंट्री का था जो जीता था, उसको वो चीज़ सेल करी गई थी, उसको बेचा गया था वो प्रो कार्ड जो तुम्हें मिलना चाहिए था। हाँ, जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि वो पहले फिक्स हो चुका था उस चीज़ वहीं पर। तो तुम कहना चाह रहे हो रोहित ये सब फिक्स होता है सर? देखो मेरे साथ जो है उस चीज़ को मैं बता सकता हूँ जो मेरे साथ 2017 में तुम्हें लगता है कि प्रो कार्ड वॉज फिक्स। यार खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया अंधी थोड़ी ना है जो वहाँ पे ऑडियंस देखने आई है। 1,000 बंदा गलत बोल देगा, 2,000 बंदा, अगर 3-4-5,000 बंदे वहाँ देख रहे हैं, सबके सब गलत थोड़ी बोल देंगे देख के। तुम्हारा एक्सपीरियंस के हिसाब से 2017 का जो प्रो कार्ड जो किसी को जिसको मिला है वो तुम्हें मिलना चाहिए था। ऑब्वियस ही बात है, जब आप खेलने देते जब मिलता ना, आपको पता था कि एक तरफ का इंसान जीते, खेले ही नहीं, बिल्कुल खेलने दिया ही नहीं गया, दिया ही नहीं गया। समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी लड़ाई है शेरू अंग्रेज से है, मेरी लड़ाई उस शो में जो पैसा ले रहे हैं उस शो उस पैसे के खिलाफ। पैसे एक्सपो में कहां से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? 2013 में आपने जो पूना में शो किया था उस शो का पैसा आपने नहीं दिया। आइए बीबी मरिका को आप ही लेकर आए, क्रिस गेटिन को आप ही लेकर आए, नील हीता को आप ही लेकर आए, और उन्हीं लोग का वीडियो है मेरे पास। As far as Shiru and his brother and the company as a whole, I've never ever met anybody so corrupt. I've never seen met anybody so dishonest. To pre-warn you, if you plan on working with Hemant Angrish, Shiru Angrish or Shiru Classic, do not associate yourself with these people because you will not get paid and they will ruin your life like they did mine. लोगों को पता तो चले ना भाई, फोटोशॉप नहीं बोलेंगे, डरो मत भाई, मुझे पता है कि आप फोटोशॉप में बहुत माहिर हैं। फिलीद का जैसे किया था, आइए, फिलीद ने खुद ही स्टोरी में डाला था, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज भी सारे एथलीट को आप यूज ही कर रहे हो ना वीडियो बनाने के लिए, भी ऐसे ही बनाऊंगा 21 वीडियो आपके लिए, तो भी कम पड़ेगा, इतना पाप है तुम्हारा। तो ये है हमारे रोहित भाई, सब जानते होंगे हमारे रोहित राजपूत भाई, जिनको कभी बोला गया था, क्या बोला गया था कि आप नेक्स्ट ओलंपिया हो बोला गया था। हाँ, बोला तो गया था। तो अब इनका एक बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू आने वाला है कि एक्चुअली में एक्सपोज में होता है क्या, क्या जजमेंट होती है, क्या होता है। मुझे बहुत खुशी है कि एथलीट सामने आ रहे हैं रोहित जैसे, जो इंडिया का फ्यूचर है। रोहित भाई सच सच सामने आना चाहिए मेरे ख्याल से, कि जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तो जो आने वाली मतलब एथलीट्स हैं और नए जो आ रहे हैं वो क्या करेंगे लाइफ में। तो बहुत मजेदार आने वाला इंटरव्यू है, सच आना चाहिए सामने, और एथलीट्स के लिए अच्छा होना चाहिए और एथलीट को कुछ मिलना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपको रोहित दिल से अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि इनके साथ एक्चुअली एक्सपो में हुआ क्या था और क्या हो रहा है। द ट्रूथ शैल कम आउट आने वाला है वो एपिसोड। खुशी इस बात की कितने सारे लोग डीएम कर रहे हैं अब। ऑफकोर्स तरुण गिल को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाए हैं वो, और बिग फिट क्लासिक जो है करोड़ रुपए कैश देने के बाद, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी शो करोड़ रुपए कैश प्राइस स्टेज पे देता है।